मेरे प्रवता हल्का से माताएं तथा बहने, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे सारे चाचा ताऊ और मैं सुहा के भी आ रहे मेरे मामा, बुजुर्गों और साथियों, ये एक हफ्ते पहले हमने यूं सोचा था, एक प्रोग्राम किया था कि भाई हमारे घर में कई साल हो गए बेटा बेटिया की शादी कर दी थी और वो बातें बड़े हो रहे हैं, उसमें आप लोगों ने सभी ने आके मेरा हौसला बढ़ाया था, साथी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया था। मेरा वही एक मकसद था कि मैं आने वाले एतवार को एक छोटा सा प्रोग्राम कर लूं और आप लोगों को रोटी खा लें और बैठकर राजनीतिक चर्चा भी कर लें। और इसमें मेरा भी स्वार्थ था कि मैं इलेक्शन नजदीक आ रहा है, राजनीतिक चर्चा कर लें, लोगों को बुला के लोगों के मन में क्या है, लोगों का क्या जहन में चली हुई है। मैंने सारी बातें सुन के सोमवार को हमने फैसला किया और मैं अगले एतवार में हम अपने बुजुर्गों को साथियों को बुलाएंगे। और आज मेरे से बोलने जा रहा इतने साथी मेरे आए हैं, आप इतने लोग आशीर्वाद देने आए हैं मेरे को, मैं सबका आभारी रहूंगा, जिंदगी भर आभारी रहूंगा। बुजुर्गों साथियों, मैंने पिछले 25-30 साल से अपना कोई काम धंधा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सुख दुख में, आपके काम में, उसी में लगा रहा है। लेकिन मेरी 68 साल की उम्र हो गई है, 68 साल की उम्र में पता नहीं अगले चुनाव से जीवन रह के रहें, ये तो भगवान पे है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है और राजनीतिक आशीर्वाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मेरे ऊपर है। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अपना नेता मानता हूं, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता मानता हूं और इस पब्लिक को, अपने जनाधार को अपने आशीर्वाद देने के लिए अपना चाचा ताऊ सब कुछ अपने सरदारी बड़ौदा हल्का को मानता हूं। मैंने जिंदगी में किसी के साथ, ये पूरी सरदारी आ रही है, बाहर से जा रहे हुए, अगर एक आदमी भी कोई यूं कह दे कि डॉक्टर कपूर पे ये लांछन है, मैं राजनीति छोड़ के आप लोगों को पूरी दिखाऊंगा, अपने घर बैठे रहूं। बुजुर्गों साथियों, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आज रोड पे भी आदमी है, पीछे भी आदमी है और यहां भी आदमी बैठे हैं, मेरे को भी एलम नहीं था कि भाई इतने लोग मेरे को आशीर्वाद देने आएंगे। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। बुजुर्गों, राजनीतिक आदमी हूं, राजनीति बात भी कह दू। 2020 में उपचुनाव हमारे पूजनीय श्री कृष्ण लोटा जी गुजर गए, 2020 का चुनाव अनाउंस हो गया और उस टाइम मैं बीजेपी में था। बीजेपी वाले पूरे हरियाणा के नेता, इवन चौधरी रणजीत सिंह भी, जेपी दलाल भी सारे यहां मेरे पास आए कि भाई आप चुनाव लड़ लो। मेरा मन था चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी से, लेकिन किसी न किसी एंगल पे, किसी न किसी उस पर जाके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे को बुला लिया। मेरे दिमाग में भी ये आ गई, हालांकि बाई इलेक्शन तकरीबन गवर्नमेंट का होता है, मेरे दिमाग में ये आ गई कि वे हुड्डा साहब यहां के नेता हैं, अपने एरिए के नेता हैं, मैं इनके साथ अपना काम करूं और आप लोगों की सेवा के लिए रहूं। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास गए, उन्होंने पूरा जोर लगाया थी टिकट के लिए,
मैं ये नहीं कहता जोर नहीं लगाया, पूरा जोर लगाया। हमारी पांच मीटिंग हुई, पांचवी मीटिंग में 13 तारीख को दिल्ली बुला लिया हमारे लिए, और उन्होंने सारा का सारा प्लान बना दिया कि भाई यू 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 करना है, ये करनी है। लेकिन किसी कारण पार्टी की फुटबाजी की वजह से वो टिकट नहीं मिली। हमारा 20 तारीख को यहां आए जो डॉक्टर साहब, 19 तारीख को, 18 तारीख को रोहतक, जो हरियाणा के सारे बड़े बड़े नेता थे, गजानिया वेंकट आल है रोहतक रोड पे, वहां बैठ के फैसला हुआ था। मैंने कहा हमारा उठा साहब, मेरा तो इलेक्शन का मन है और मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया था। लेकिन वहां भी ये बात आ गई कि भाई देख लो। फिर 19 तारीख को यहां आप लोग आए, यही खड़े थे हम, यही टेबल लगी हुई थी। वहां भी 18 तारीख को भी उड़ा साहब ने हमारे को आशीर्वाद दिया था कि भाई डॉक्टर अब की बार रहने दे, अगला चुनाव आपको लड़वाएंगे। 19 तारीख को यहां प्रोग्राम हुआ, उसमें यहां क्योंकि कमिटमेंट तो हो नहीं थी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ये कहा था, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई डॉक्टर कपूर सिंह का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों नाम लिखा जाएगा, इन्होंने ऐसा काम किया, यही बात भूपेंद्र जी ने कही थी। और मैंने सिर्फ और सिर्फ हुड्डा साहब के मान सम्मान को फेस ना पहुंचे, आप लोगों से पूछताछ करके कि भाई मैं चुनाव लड़ना बंद कर दूं। और हुड्डा साहब जिसने भी भाई भालू है, छोटा भाई है मेरा, उसको टिकट मिल गई, और हमने तन मन से हुड्डा साहब के साथ 15 दिन, एक हफ्ता हुड्डा साहब के साथ, एक हफ्ता दीपेंद्र सिंह के साथ, हर एक गांव में जाके दौड़ी करके भाई भालू के लिए वोट मांगी थी। राजनीतिक चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि ये अब मेरा आखिरी टाइम है। मैं तो हुड्डा साहब से भी और बड़ौदा की पब्लिक से भी एक ही निवेदन करता हूं, हुड्डा साहब मेरे को टिकट दे दे और बड़ौदा हल्का की मेरे को आशीर्वाद दे दे। आज भी मैं, हालांकि बीमारी का दांत है मेरा, लेकिन मैं कभी घर पे नहीं रुकता। मेरे को निजापुर से लेकर दसरा तक, जवारा से लेकर रुखी तक, किसी का पता चल जाता है तो मैं आपके दुख सुख में, शादी ब्याह में हाजिरी लगाने की कोशिश करता हूं। और वही प्यार आज मेरे को आप लोग आशीर्वाद देने आए हैं। लेकिन मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, अगर हुड्डा साहब ने अगर कोई किसी तरह की ऊंच नीच कर दी, तो बुजुर्ग साथियों मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा, लेकिन राजनीति मेरे को रास नहीं आ रही। ये झूठ की राजनीति मेरे को रास नहीं आ रही। अब जो आपने जो फैसला करना है, मैं तो बड़ौदा हल्के लिए आप जीने मरने का फैसला करो, या जीने का करो या मरने का करो, मैं तो आप लोगों पे अपनी बात छोड़ता हूं। जो आपने जो फैसला लेना है, उस फैसले में मैं फूल चढ़ाऊंगा। मैं अपने आप फैसला लेने के सक्षम नहीं। भाई चीफ प्रिंसिपल साहब कहने लग रहे थे, हालांकि मैं लेकिन हर आदमी की आज ये इच्छा है कि वे डॉक्टर कपूर सिंह
प्रवदा हल्का का नुमाइंदा हो और आप लोगों की प्रवदा हल्का की मैं पिछले 25-30 साल से एक एक गली का एक एक गांव का एक एक काम का एक एक फ्रंट का सब कुछ मेरे को ज्ञान है और मेरे दिमाग में भी ये टीस थी कि मैं भी आप लोगों के बीच में नुमाइंदा बन के आऊं और आप लोगों के काम करने का करूं। धन्यवाद डॉक्टर जी, हम भी आपकी बात में डिट रहा नहीं राम बिगड़ की चेतावा कितना ही नुमा डिट रहा। चलो मैं तो दोबारा फिर आप लोगों के बीच में यही निवेदन करने आया हूं कि भाई आप लोगों का मेरे ऊपर युवा यूं आशीर्वाद बना रहे, कोई आदमी किसी तरह की भी वो ना हो के जो हो गया मेरा आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे वही मेरे को बहुत आशीर्वाद दे रहे। सभी साथी आए हैं एक बार हाथ उठा के ये फैसला कर दो कि हम डॉक्टर कपूर सिंह के साथ हैं। रोहित तेरी आईडी आओ या तो आईडी रख कर जाया करे टाइम चौधरी जाएंगे 10 तारीख ठीक है पत्रकार साथी खड़े हैं हल्का पुरौता के आई हुई बहने आई हुई है नौजवान दोस्त खड़े हैं हजारों की संख्या में चारों तरफ लोग खड़े हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वादा करा था अपने वादे को निभाए 5 तारीख तक ये चलता 5 तारीख का ये 5 ठीक है 5 तारीख अगर 5 तारीख को तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट नहीं देते तो 6 तारीख को दोबारा आपका इकट्ठा होगा अपना निर्णय लेगा हाथ उठा के कहो अगर नहीं बात कहो सब तो 6 तारीख को फिर ये उनका अपना इकट्ठा हो जाइए। असल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना वादा निभाएंगे क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री रहे हुए हैं 5 बार सांसद रहे हुए हैं और हरियाणा के कदावर नेता है तो वो अपना वादा निभाएंगे और नहीं निभाएंगे तो प्रवदा हल्का की जनता अपना फैसला खुद लेगी। धन्यवाद प्रवदा हल्का चाहिए 5 तारीख चाहिए 5 तारीख आखिरी है नामांकन पत्र बनेगी है 5 तारीख का शुरू है 5 तारीख का वायदा फिर ठीक से भी अगर 5 दिन नहीं फैसला जवाने अगर हुड्डा साहब 30 साल पत्थर योग का दे रहे खड़ा जा रहा था खिचरा देता उड़े खड़ा जाइए और लोकसभा भी देख लिया और तो दिन 7 हजार की जीत की तरक्की सुखान है जो दिन 18 हजार की जीत की अगर ईद नौकर ईद 30
ਸਸਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜਦ ਦਰਦਾ ਦੁਲਾਲਾ ਹਰ ਖੁੱਦਾ ਤੀਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਾਣ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਸ ਬੇਮ ਕਰੀ ਵੀ ਅਤਾ ਯਾ ਕਮਾ ਕਦ ਕਪੂਰ ਨੇ ਟੈਕ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨੂ ਮਾਨੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਲੂ ਟੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮਨੀ ਹੋਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ और करीम डॉक्टर कपूर अग्रवाल जी के साथ है। थोड़ा जोश में उसमत को हमें अपने प्रिय नेता पर पूरा भरोसा और विश्वास है। यह बड़ौदा की टिकट है, यह अल्टीमेटम मत दो, अल्टीमेटमों से चुनाव नहीं जीता जाता। अरे आप 36 बुरादरी साफ पे हो, एक अच्छा क्या हो रहा है, ये रोड और यह कमाना तहसील पूरी जाम है। हमें अपने प्रिय नेता पर पूरा भरोसा और विश्वास है। कोई पंचायत मत रखो, अपने आदरणीय नेता का विश्वास और भरोसा टेलीफोन का इंतजार करो, क्योंकि चौधरी ये डॉक्टर कपूर अग्रवाल जी ने नहीं, ये बड़ौदा का बलिदान था और ये चुनाव बड़ौदा का है। यह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी रणबीर सिंह जी का खून है, हुड्डा खून है। अरे देखते हैं हुड्डा खून में कितनी जमाने दम है, क्योंकि पूरा बड़ौदा 36 बरादरी साथ खड़ी है। हमें अल्टीमेटम देने की जरूरत नहीं है। अगर एक सेकंड के अंदर डॉक्टर कपूर अग्रवाल जी सिट्टी बजाएंगे कि हमारा तहसील जाम होगी जाम। अरे अल्टीमेटम नेता और डॉक्टर अग्रवाल जी के नेता को हम अल्टीमेटम नहीं देते। अगर मेरे बुजुर्ग ने, मेरे युवा ने, अगर मेरे नेता के प्रति, इस शख्सियत के नेता के प्रति कोई शब्द गलत बोला हमें, उसके लिए मंच के माध्यम से माफी मांगते हैं। क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जबान में तो नहीं है, वही दूसरी बात नरवाल की टिकट काटकर नरवाल ने दे रहा है और उस नरवाल ने दे रहा है जिसको विधानसभा भेजने वाला ये शख्सियत है, शख्सियत ये है। मेरे बड़ौदा के साथियों, बारा मन्ना तो जनता जनादार है, क्या बलराज टुंडू निर्दलीय नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन से है, जनता जनादार कब होता है और ये इस इंसान का है जो कि इसने दिन रात करी है। मैं अपने प्रिय नेता पुरुष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी से एक बात कहना चाहता हूँ, ये बड़ौदा की 36 बिरादरी है। मीडिया भाई बंधु किसी से बात कर करके देख ले, कोई हीर जाति से, कोई लोहार जाति से है, ये स्थान एक तीर्थ स्थान है, यहाँ हर बिरादरी के लोग आते हैं। ये हमारा स्थान है, ये शख्सियत का स्थान नहीं है, हमारा कोई अल्टीमेटम नहीं है। मैं छोटा बच्चा हूँ, अगर मेरी वाणी गलत लगी हो मैं माफी मांगता हूँ। हमें विश्वास है, फिर दम तक भरोसा और विश्वास रखेंगे, क्योंकि बलिदान भरोसा ने दिया है, बलिदान इसने नहीं दिया है। यह तो भरोसा की हर 36 बरादरी के बलबूते पर चला है। मेरे दादा धरो, आप बड़ी खाप के योद्धा है, आपके मुल्क खाप के योद्धा है, आप धरवाल खाप के, हमें कोई बड़ी चीज नहीं, आपसे बड़ी मैं तो मानता नहीं, क्योंकि आप छोटे बुलाए पर पूरा गवाना तहसील इल्जाम है। अंत में अपनी वाणी को विराम देता हूँ, डॉक्टर कपूर नरवाल, डॉक्टर कपूर नरवाल, प्रोटोल का रविंदर जी का खास आदमी या से पुनिया करा था, दोनों टीचर भाई मैं जात जात के माना था। मैं केवल दो शब्द कहना चाहता हूँ, इतनी अपार जनसंख्या को देखते हुए एक भाई ने भी ये बोला है कि ये पवित्र स्थान है, अगर पवित्र स्थान है तो इसी पवित्र स्थान पर भूपेंद्र हुड्डा ने वायदा किया था इस नौजवान के साथ कि टिकट आपका है, और अगर वायदा पूरा नहीं करते तो बड़ौदा हल्का की जनता जाने क्या करना है इनके साथ, ये तो बता दो इनका कसूर क्या है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, पवित्र स्थान की इज्जत रखिए आप लोग, धन्यवाद। साथियों, बुजुर्गों, साथियों,
भाई एक सेकंड सुनो, मेरे को आज भी विश्वास है और भरोसा भी है, विश्वास नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके बीच में मेरे को चुनाव लड़ने के लिए भेजेंगे। अब मैं जितने भी मेरे सरदारी बड़ौदा की बाहर से माता बहन जितनी आई है, मैं भोजन का इंतजाम कर रखा है, अगर एक भी आदमी को भोजन किए बगैर चला गया मेरी आत्मा दुख रही है, सारण भोजन करके जाना है। हाँ, सारण भोजन करके जाना है, थोड़े थोड़े करके अपना भोजन कर लो, जितने यहाँ बीच में बैठ के होगा भी होंगे सारी बात कर डॉक्टर साहब यहाँ पर ले लो भाई, दिखाओ यार एक बार ना आराम से ले लियो सारे कमरे, अंदर बैठ के अंदर बैठिए, ठीक है। आज आपने शक्ति प्रदर्शन दिखाया है और यहाँ अंदर बैठ के कर ले, कोई यार यार हाँ जी डॉक्टर साहब, एक वन बाय वन। जी जी हाँ जी हाँ जी, आज जो आपने यहाँ पूरा हलका इकट्ठा किया है, टिकट की दावेदारी भी पेश कर दी है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह 2020 में भी आपने दावेदारी पेश की थी। देखो 2020 में दावेदारी पेश नहीं की थी मैंने, हुड्डा साहब ने मेरे को यहाँ का प्रतिनिधि बनाया था यहाँ का, कि भाई बड़ौदा हल्का से आपने चुनाव लड़ना है। आपसी कोई कांग्रेस की या मैं नहीं कहना चाहता उनमें क्या बात हुई क्या नहीं, उनकी उसकी वजह से मेरी टिकट नहीं मिल पाई। और हमने जो हमारे अब एट प्रेजेंट विधायक है बालू जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मान सम्मान के लिए उनके जो कद है उसको देखते हुए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे युवा के नेता हैं, उनके बात सुनते हुए हमने अपने आप को विड्रा कर लिया था। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमारे सीजिए कहा था कि भाई आने वाला 2024 आपके लिए होगा, आपका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। तो आज एक किस्म की सारा हमने हल्का इकट्ठा किया है, क्या फैसला लिया गया हल्के तरफ? देखो हल्के में मैंने फैसला यही लिया है कि जो आज बड़ौदा हल्का की सरदारी इतना क्राउड आया हुआ है, इसके सामने मैंने सबसे पहले तो एक ही बात थी कि भाई कई ओकेजन हो गए, मैंने बताया था मेरे पिताजी के बहुत पुराने साथी हैं, मेरे साथी हैं, कई साल हो गए कई ओकेजन हुए भाई, कोई भी दादा खाऊ नौजवान खाना खा लो बैठ भी जाओ सारे कुर्सियां वहां पर। तो मैंने इनको इसलिए बुलाया था क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, बैठ के चर्चा भी हो जाएंगी, लेकिन चर्चा मैं कहीं भी दूसरी जगह चर्चा नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करता हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रहनुमाई में मेरे को यकीन है, भरोसा है, मैं बड़ौदा हल्का से चुनाव लड़ूंगा। 5 तारीख तक का समय दिया गया है, 5 तारीख का ये पब्लिक की वो है, 5 तारीख का हमने कोई एडजस्टमेंट टाइम नहीं दिया, अपनी अपनी आप लोगों के सामने भी लोगों ने रखी है बातें, 5 तारीख का कोई टाइम नहीं है। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे हमने छोड़ दिया, वो क्या करेंगे क्या नहीं उसके बाद अगली कार्रवाई की थी। तो आजाद भी लड़ सकते हैं इस तरह से अभी? नहीं, मेरा कोई आजाद लड़ना कोई अच्छी तरह, तो जनता लड़ाती है, तो नहीं जनता लड़ाती है, जनता से माफी मांगी। तो किसी और पार्टी में जाने का विचार भी है? नहीं, किसी और पार्टी में जाने का विचार नहीं मेरा अभी, लेकिन मैं कांग्रेस में रह के ही लोगों की सेवा करने का मेरे को जो ऐसा मैं सोच रहा हूँ, जो टिकट नहीं मिलती तो ठीक है, टिकट भी बड़ौदा है, मिलने के बाद भी टिकट भी बड़ौदा है, बड़ौदा है, लोग टिकट है मेरी, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा इंडिपेंडेंट, ठीक है।